मार्टिन मूवी के मेकर जब मीटिंग बुलाए होगी और सोचे होगी हमें मूवी बनाए और कैसे बनाए, ये सोचते हुए मीटिंग कैसे होगी आप देखो। आवाज आ रही है तो जल्दी से सुनो, प्रोड्यूसर से पैसा निकालवाए, धुआंधार पैसा हमारे पास वीएफएक्स के लिए। यहाँ पर ही पास में मेरे सलीम जेरोक्स वाला है, उसका चचेरे भाई का दूसरा बेटा है, वो कार्टून बनाता रहता है कुछ ना कुछ, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो वीएफएक्स बनाने वाला, मतलब बहुत ही लेवल होने वाला है हमारा। अवतार भी उतार तो गया खड्डे में, अवतार से भी नेक्स्ट लेवल मूवी होने वाली है, और ऐसी मूवी बनाएंगे खतरनाक। इंडिया की झोपड़पट्टी में मूवी कैसे बनाती है वो मूवी को रिप्रेजेंट करेगी हमारी मूवी, झोपड़पट्टी को ना, को पूरे इंडिया की सिर्फ और सिर्फ झोपड़पट्टी इस लेवल की मूवी होनी है हमारी, तो ऐसी मूवी बनानी है। और हमारा कैरेक्टर जो होगा मेन लीड इंडियन होना चाहिए, पहचान में कैसे आएगा, दिखने से इंडियन नहीं लगना चाहिए भाई साहब, यहाँ पर इंडियन लिखो, यहाँ पर इंडियन लिखो, यहाँ पर इंडियन लिखो, और मूवी के एंड में घुटनों के ऊपर भी इंडियन लिखवा दो और एंड में उसकी घुटनी कट जाएगी, लेकिन हमारा हीरो उठ खड़ा होगा और एंड हो जाएगी, और पार्ट टू में हम निकालेंगे बवाल की, जब चैप्टर टू की तरह हमारा हीरो बनेगा बैडएस और पूरी दुनिया की वाट लगा लेगा, और वो इंडियन फिर से वहां पर नाम आ जाएगा अपने आप, सूरज की रोशनी से हम उधर एक मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका लॉजिक लॉज गया खड्डे में ना भाई साहब, न्यूटन न्यूटन को मैं मानता ही नहीं उनको मेरे सामने कुछ, तो सीधा लॉजिक दिया तो खड्डे, तो ऐसी मूवी होनी चाहिए ठीक है समझे। और साथ ही साथ ये मूवी छोटी मोटी मूवी नहीं होने वाली, एक ही लैंग्वेज में नहीं, हम पैन यूनिवर्स रिलीज करेंगे, 1500 लैंग्वेज में रिलीज करने वाले, जो डबिंग आर्टिस्ट को ढूंढ, और एलियन की लैंग्वेज में भी ढूंढ रहा हूँ अभी, रॉकेट साइंस स्पेस इधर नासा को फोन कर दिया, वो ढूंढ रहे एलियन कहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर भी रिलीज करने के लिए हम जल्दी से उन्हें ढूंढने के थिएटर भी ढूंढेंगे और उनकी लैंग्वेज सीख के डबिंग करके भी रिलीज कर देंगे, वो भी सिर्फ 2 महीने में। जल्दी से मूवी के लिए काम पे लग जाओ, हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग तक। तो हाँ ऐसी होगी मेरे हिसाब से शायद से, लेकिन मुझे ट्रेलर देखने के बाद ऐसा ही लगा कि उनकी मीटिंग ऐसी हुई होगी और उन्होंने मूवी बना दी झट से। तो हेलो गाइज, मेरा नाम युवराज, आप देख रहे हैं YP सिनेमा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले मार्टिन मूवी के ट्रेलर 1 को। जी हाँ, अब ये हमें दुख भी पार्ट में देंगे, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, ट्रेलर 3, पता नहीं कितने ही दुख सहने पड़ेंगे हमें। जी हाँ, मार्टिन मूवी का ट्रेलर देखने के बाद इतना ही लगा, क्यों ही बना दिया भाई साहब, बैड एस रवि कुमार की मूवी बना देते आप, वो देखने के लिए मैं कितनी टट्टी मूवी होती, लेकिन उसके लिए मैं लाइन में पहला खड़ा हो जाता, लेकिन ये मूवी बनाने की क्या जरूरत है, मेन लीड एक्टर के तो बैड एस रवि कुमार को लेते और उनकी स्क्रिप्ट क्या ही बवाल मचा देती, बैड एस रवि कुमार तो। और इस मूवी के लीड एक्ट्रेस की जो एक्टिंग मैंने देखी इस ट्रेलर में, इससे पहले मैंने उनकी पोगारो मूवी देखी हिंदी डब के साथ, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी थी, लेकिन एक्सप्रेशन जरा इंग्लिश जरा लेवलअप हो रही हमारी भी, जो उनकी एक्सप्रेशन थे एक ही जैसे, क्या ही मैं करूँ, मतलब मैं आपको बहुत ही गंदा बंदर जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उनकी पोगार मूवी दिखी जिसमें मेन उनके साथ साथ रश्मिका मंदाना भी है, उनकी एक्टिंग भाई साहब इतनी बेहुदा लगते है। इसके मेन लीड एक्टर ध्रुवा सरजा, उनकी भी एक्टिंग क्या है यार, वो ट्रेलर में एक जगह पर उनको लिखा आता है स्टोरी एक्शन किंग ध्रुवा सरजा, भाई साहब उधर कोने में एक्शन किंग के वजह से अक्षय कुमार, इधर स्टोरी किंग के वजह से उधर कोने में SS राजामौली, और न्यूटन तो गए वो उधर खड्डे में गए, वो जा रहे वहाँ पर रोते बैठ रहे भाई साहब, और इन्होंने ये डाल दिया, क्या ही कहूँ। और नेशनल लेवल पर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें ऐसी मूवी लेके, नेशनल लेवल पर क्यों कह रहा भाई साहब, इनकी रिलीज देखो 15 से 16 लैंग्वेज में रिलीज करने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको क्या ही आइडिया सूझा, और क्या ही लगता है इनको इसी मूवी भारत देश में देखेंगे, जहाँ पर अवतार एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी चलती है और वहाँ पर ये कचरा देखेंगे, भाई साहब इसे प्रमोट करो, लेकिन ये जो उन्होंने कंधे पे लिखा है ना इंडियन, उसे खोड़ो, मतलब उसे मिटा दो भाई साहब, वो मत लिखो, पाकिस्तान लिखो और उसे रिलीज करो, फिर भी तब मैं जाने वहाँ पर इस मूवी को देखने को जाना। इसके VFX से यू चुटकी में, मतलब स्टॉक्स फोटेज जो होता है ना इंटरनेट पे अवेलेबल, उसके लिए वही लगता है, यहाँ पर मैं एक एक सीन देख रहा हूँ भाई साहब, हर एक जगह पर मैं खुद, मतलब VFX ये तो मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी एडिटिंग बहुत ही फुद्दू होती है, आप मूवी देखिए मेरे वीडियो देख रहे हो तभी मैं पहचान रहा हूँ, अरे ये क्या बना दे, ये तो टट्टी है, तो सोच लो
और बहुत सारी जगह पर इसके डायरेक्टर और इसके मेन लीड एक्टर ध्रुवा सर्जर को तो क्या क्या बताए बोल नहीं सकता। क्रेजी भाई साहब, अभी ट्रेलर 2-3 ऐसा दुख भरा शायद से हार्ट अटैक से मैं ना रहूं। रेटिंग विक्टिंग सब छोड़ दो भाई साहब, रेटिंग देने की बात की जाए तो पूरे 10 में से इसे देना चाहूँगा 3.5 स्टार। बाकी सब तो यार उसको इंडिया टैटू खोलने को बोल दो और बाकी कुछ शिकायत नहीं है। और मेरे गांव से 150,000 किलोमीटर दूरी इसे रिलीज करना, नहीं तो आसपास भी रिलीज किया मेरा क्या हालत हो जाएगा मुझे पता नहीं। देखते हैं ट्रेलर 2-3 आने के बाद शायद से मैं बच जाऊंगा तो रिव्यू भी डाल पाऊंगा। और यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब का बटन दबा पे, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और रोस्ट वीडियो कैसे लगा बताना, और अच्छा लगा तो कमेंट में बताना भाई साहब, अगले किसी भी बकवास मूवी या खटारा मूवी इसके जैसे और भी आएंगे उसके ऊपर भी हम रोस्ट निकालेंगे।